डायजीनियम साल्ट क्या है? डायजीनियम साल्ट अर्थात बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजीनियम सल्फेट, इस प्रकार की जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 273 केल्विन टेम्परेचर, देन बेंजीन डायजीनियम क्लोराइड इज ऑब्टेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डायजोनियम साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिनमें एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप प्रेजेंट होता है। आइए हम अब कुछ रिएक्शन देखते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की। सबसे पहले है सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl देन क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेंड। व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड देन ब्रोमोबेंजीन इज ऑब्टेंड। व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ कॉपर साइनाइड देन फिनाइल साइनाइड इज ऑब्टेंड। और इन तीनों रिएक्शन में नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट है गटरमैन रिएक्शन। व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl देन क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेंड एंड नाइट्रोजन एंड CuCl ऑब्टेंड एज ए बाय प्रोडक्ट। तो गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन में ये डिफरेंस है कि गटरमैन में हम कॉपर पाउडर और HCl से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, जबकि सैंडमेयर रिएक्शन में हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की कॉपर साल्ट यानी क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। फिर है रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट एक साल्ट बनता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन मिलता है, अर्थात फ्लोरोबेंजीन को हम सैंडमेयर और गटरमैन विधि से नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन का उपयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन अर्थात व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनोल देन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है।